वेलकम टू कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है हर बार की तरह हम आ गए हैं एक और टॉपिक लेके और आज का टॉपिक है हमारा रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन से मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज में था कौन सा है आई टू यू टू इंडिया इजराइल यूएसए एंड यू का एक नया ग्रुप जो हमने देखा था जुलाई में जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो फिर से लाइमलाइट में है क्यों हम डिस्कस करते हैं कि न्यूज क्या है न्यूज है कि इंडिया इजराइल यूएई, यूएसए आई टू यू टू इन्होंने अपनी मीटिंग की है साइडलाइन कहाँ पे यूएन जनरल असेंबली में जब ये लोग मिले जब यू जनरल असेंबली की मीटिंग अभी हुई उसके साथ साथ ही इन चारों देशों ने भी आपस में अपनी एक मीटिंग की ऑन द साइडलाइन ऑफ दिस यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क जो अभी बीस ऑफ दिस मंथ अभी सितंबर में कंडक्ट हुआ मतलब आई टू यू का सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग पहला तो हमने देखा था जो सबमिट हुआ था जुलाई दो में उसके बाद फिर पहली बार फिल मिल रहे हैं ये चार नेशंस इंडिया इजराइल यूएई यूएसए आई टू यू टू द ग्रुप एग्रीड टू कंटिन्यू द वर्क क्लोजली इन लाइन विद द आउटकम ऑफ द लीडर सबमिट लीडर समिट हमारा वर्चुअली हुआ था हमें इफ़ यू रिकॉल जुलाई ऑफ दिस मंथ वहाँ पे हमारे चारों देश के जो मिनिस्टर्स थे वो मिले थे और उन्होंने एक रोड मैप डिस्कस किया था कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा और किस किस एरिया ऑफ कॉपरेशन पे हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करेगी तो इसको फिर से री किया गया फिर से उसको बोला गया कि हाँ जो हमने डिसाइड किया था लीडर सबमिट पे वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम इन ए फ्यूचर रोडमैप तो ये है हमारा आई टू यू टू इंडिया इजराइल यू एस एड नो दीज कंट्रीज ठीक है मतलब ये क्या है कैसे बने क्यों बने ऑब्जेक्टिव क्या है एम क्या है तो आई टू यू टू ग्रुप इज ए ग्रुपिंग ऑफ इंडिया इजराइल यूनाइटेड अरब इमिरेट यूएसए ठीक है ये तो हमने डिस्कस कर लिया ग्रुप हेल्थ इट्स इनगरल सबिट ऑन जुलाई चौदह दो हजार बाईस इन विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट जो बिडन उसके बाद कौन थे यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और अल नहाय ने पार्टिसिपेट किया इन चार लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और इन चारों लीडर्स ने एक एम एंड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क डिसाइड किया कि टू डिस्कस कॉमन एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू स्ट्रेंदन द इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मतलब इन चारों देशों में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जहाँ पे मान लीजिए इंडिया एज ए नेशन है तो वहाँ पे यू कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया एनर्जी सेक्टर हो गए तो ऐसे छह रीजन डिसाइड किए गए थे सिक्स एरिया ऑफ कॉपरेशन था जहां पे इनकरेज ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट कि वहां पे उस प्रोजेक्ट को में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाय सर्टेन नेशंस बाय दीज फोर नेशंस लाइक वाटर हो गया एनर्जी हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया स्पेस हो गया हेल्थ हो गया और फूड सिक्योरिटी तो ये छ एरिया ऑफ कॉपरेशन डिसाइड किया गया था कि इस सिक्स एरिया ऑफ कॉपरेशन के अंडर ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं इन देशों में उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा कि वो दूसरे सेक्टर में जाके दूसरे नेशन में जाके वहां इन्वेस्ट करें वहां ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें तो ये है बेसिक ऑब्जेक्टिव दिस आई टू यू टू का उसके बाद क्या था एज एन आउटकम ऑफ दिस समिट द लीडर्स अनाउंस दैट द विल इन्वेस्ट एस टू बिलियन टू बिलियन डॉलर टू डेवलप ए सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क ये देखिए जब सबमिट हमारा हुआ था पहला सबमिट उसमें फिर क्या आउटकम निकला यूई ने ये कहा कि हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे दो बिलियन डॉलर्स की कहां पे डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स पूरे इंडिया में एक इंटीग्रेटेड फूड पार्क का डेवलपमेंट कौन कर रहा है यूई तो ये आउटकम किससे आया जो लीडर सबमिट हुआ था पहला आई टू वाला उसके अकॉर्डिंग ये हमें निकल के आया कि ये उसका आउटकम है एंड यू ई विल इन्वेस्ट इन दीज सेक्टर्स एक और क्या आया था कि ग्रुप आल्सो अग्रीड टू प्रोसीड विद हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया गुजरात स्टेट तो गुजरात स्टेट में भी एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की इनोग्रेशन uh, होगा इस्टेब्लिशमेंट होगा दिस वॉज ऑल्सो अग्रीड बाई दिस आई टू यू टू ग्रुप की आई टू यू टू का ग्रुप जो है वो दे स्टार्ट फंडिंग इन मेकिंग द प्रोजेक्ट अ हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इन इंडिया गुजरात थी तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स उसके आउटकम आए थे हमारे जो पहला सबमिट हुआ था द ग्रुप्स फर्स्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज ऑन जुलाई फोर्टीन 2022 स्टेट्स दैट द कंट्रीज एम टू कॉपरेट ऑन ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट एंड न्यू इन वाटर एनर्जी ट्रांसपोर्ट स्पेस हेल्थ फूड सिक्योरिटी मतलब इन चार जितने भी छह सेक्टर्स हैं इनमें ये चारों कंट्री जो हैं मिलके ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करेगी वहाँ पे पैसे लगाएगी जैसे हमने देखा फूड पार्क और आपका जो ये हाँ ये आपका हाइब्रिड जो प्लांट था वहाँ पे कैसे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना इन छह सेक्टर्स में जो हमने अभी डिस्कस किया ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपके आई टू यू टू का जो हमने डिस्कस किया ठीक है तो दिस यू शुड नो ठीक अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज मैप में कहा लोकेटेड हैं क्योंकि मैप लोकेशन भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये देखिए ये आपका इजराइल है ये आपका यूएई है यहाँ पे और ये हमारा इंडिया हुआ और ये आपका यूएसए हुआ तो मैप लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट दिस ये रीजन तो ये रीजन से हमेशा मैप बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली ये वाला रीजन जो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है तो दिस यू शुड नो कि इजराइल कहाँ है लेबनान कहाँ है सीरिया कहाँ है इजिप्ट कहाँ है यू ए कहाँ है उससे कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही हैं तो दिस मैप बेस्ड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट सम मोर क्वेश्चन की मैप के थ्रू आए और बेसिक ऑब्जेक्टिव वो, वो क्या है कि एक म्यूचुअल कॉपरेशन हो ज्वाइंट फंडिंग हो कहाँ इन छह सेक्टर्स में जो कि पहले सबमिट में डिसाइड हुआ तो अभी तक ये लोग पहले एक बार मिल चुके हैं फर्स्ट सबमिट में वर्चुअली हुआ था सेकेंड बार ये लोग हमने देखा कि जो भी यू UN का यूनाइटेड नेशनल असेंबली की जो एनुअल सेशन होता है उसके साइडलाइन में ये सब लीडर्स आए थे तो उसी के साइडलाइन में ये लीडर्स मिले और इन्होंने डिस्कस किया कि जो हमने डिसाइड किया था लीडर समिट में विल फॉलो द सेम पाथ और हम ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे ठीक तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आई टू यू टू इनिशिएटिव जो है एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के डोमेन में ठीक तो विद दैट कंटेंट आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो विद दैट नोट आई एम टेकिंग योर लीव मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक्स टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर